माटी जय माटी। एसटी सेल्टस के नाम पर वोट मांगने के लिए खेतों का घासनियों में पहुंच रहे हैं हाटी समिति पदाधिकारी। चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों से एक कदम आगे निकले स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता। गिरिपार के 50,000 परिवारों तक बौछारा व पर्चे पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित। एसटी सेल्टस के नाम पर इस बार भाजपा को समर्थन का ऐलान कर चुकी है हाटी समिति। 55 साल पुरानी एसटी सेल्टस की मांग सिरे चढ़ता देख हाटी समिति पदाधिकारी इन दिनों बेहद उत्साहित है और रिवायती राजनीतिक दलों से एक कदम आगे निकलकर खेत खलियानों व घासनियों में जा जाकर लोगों से वोट फॉर हाटी की अपील कर रहे हैं। सोमवार को हाटी समिति पदाधिकारी डॉक्टर रमेश सिंघटा व प्रदीप सिंघटा आदि रोनाड इलाके के ऐसे खतरनाक स्थानों व घासनियों में एसटी सेल्टस के फायदे संबंधी ब्रोशर व पर्चे बांटने पहुंचे, जहां कांग्रेस व भाजपा जैसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आज तक जाते नहीं देखे गए। हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अमी चंद कमल व प्रवक्ता रमेश सिंघटा के अनुसार सवर्ण आबादी को एसटी सेल्टस की मांग पूरी होने के बाद महाखुमड़ियों में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के मुताबिक इस बार समिति प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भाजपा के समर्थन में वोट की अपील कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल के शुरुआती दिनों में गिरिपार क्षेत्र के शिलाई व संगड़ा आदि में हुई महाखुमड़ियों में इलाके के कांग्रेस विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में समिति ने मांग पूरी होने पर देवी देवताओं को साक्षी मानकर भाजपा के समर्थन तथा इस बारे सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर सत्ताधारी दल के विरोध में मतदान अथवा प्रचार का फैसला सुनाया था। समिति पदाधिकारियों के अनुसार हाटी विरोधी कुछ लोग अथवा नेता एसटी स्टेटस से शेड्यूल कास्ट के साथ साथ अब ओबीसी वर्ग को भी रिजर्वेशन में नुकसान की भ्रांतियां चुनावी बेला में फैला रहे हैं, जो कि उनके मुताबिक पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि गत 13 अप्रैल को जहां RGI में रजिस्ट्रेशन के बाद पहली नोटिफिकेशन जारी हुई थी, वहीं 14 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गिरिपार की 1,60,000 के करीब NSC पॉपुलेशन को एसटी स्टेटस संबंधी मंजूरी दिए जाने के बाद दूसरी अधिसूचना जारी हुई है। गौरतलब है कि शिलाई व रेणुका के विधायक हाल ही में बिना एसटी स्टेटस की नोटिफिकेशन जारी हुए तथा प्रमाण पत्र बनने से पहले ही भाजपा द्वारा इस इशू को चुनाव में भुनाए जाने की निंदा कर चुके हैं और जनता से झांसे में न आने की अपील कर रहे हैं। एसटी स्टेटस के इशू पर क्षेत्र में जमकर पोलराइजेशन होता भी देखा जा रहा है और एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व अन्य संवैधानिक हक खतरे में पड़ने के मुद्दे पर एसटी स्टेटस के खिलाफ गत दिनों उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में महारैलियां कर चुकी गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति पर भी कांग्रेस से गुप्त समझौते के आरोप भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष लगा चुके हैं। बहरहाल एक तरफ जहां हाटी समिति भाजपा के समर्थन का खुला ऐलान कर चुकी है, वहीं राजपूत व ब्राह्मण जैसे सवर्ण मतदाताओं की तरह एससी वोटर भी सूत्रों के अनुसार दूसरे दल अथवा खेमे की तरह पोलराइज हो चुके हैं। का फायदा ये है जो सबसे उम्र तुरवाती जन जन ये काम करता। हट्टी वाले ने जी बहुत अच्छा काम किया, गरीब गरीब सब ठीक रह गए। ना ये किताब से हमें बनाया जी जनजाति अधिकार हमारे का फायदा नहीं देखा ना, तो आप लोग का महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग का काम जो है वो हो चुका है, जनजातीय क्षेत्र हमारा घोषित हो चुका है। हम लोग आपके पास आए, किस बारी का वोट हाटी के नाम पे देना, बहुत बड़ा काम किया सरकार ने, बड़ा काम था हमारा करे पीढ़ी दर पीढ़ी दर के लिए बस है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है किस बारी, क्योंकि महिलाओं का फर्क पड़ा जी।